तीनों का राइस ऑर्डर किया हम लोगों ने, 1943 का है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर, ये देखो ऐसे बहुत छोटे छोटे मंदिर है। और भाई जोरों से भूख लगा है इसी वजह से हम लोग खाना खाने आ गए हैं, क्या ही बोलें, और बहुत पेट में कुछ भी नहीं है अभी। तो ये दोनों भाई बैठे हैं, विपिन और प्रदीप, और मैं भी बैठूँगा यहाँ पर। और हम लोग ने यहाँ पे राइस मिलता है तो मैंने राइस ऑर्डर किया, तीनों का राइस ऑर्डर किया हम लोगों ने। तो खाना खाते हैं फिर आप लोगों से बात करता हूँ मैं, फिर कहीं घूमने जाऊँगा मैं, बहुत थक गया हूँ यार। और भाई खाना कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं, और दूसरा डेस्टिनेशन क्या होगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। दिस साइड, ओके ओके। और भाई यहाँ पे पैदल चलते चलते आते आते एक दुकान देखा मैंने, और ये देखो भाई, ये जो देख पा रहे हैं टू आना है, और ये 1943 का है। बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो भाई ये सब जो पैसा देख रहे हैं बहुत पुराना है, ये सब तो छोड़ो ये तो न्यू है, ये ब्रिटिश के ज़माने का पैसे हैं जितने भी देख पा रहे हैं। ये सब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये देखो भाई बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे देखिए भाई ये कुछ पैसे देख पा रहे हैं आप लोग शायद, जो बहुत ज़्यादा पुराना है। ये टेबल का नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, ये लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ कहीं पे है नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अंदर चलते हैं। ओ गणपति टेम्पल, ओके ओके। ओ माय गॉड, भाई पत्थर को काट के किस तरह से बनाया गया, देखो यार इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई उसको देख पा रहा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसको सिर्फ कुछ भी नहीं यार, एक ही पत्थर को काट के बनाया है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पत्थर को काट के एक साथ जोड़ के बनाया, नहीं, एक ही पत्थर को काट के इस तरह से बनाया गया है। और ये जो रूम देख रहे हैं पूरा, ये भी एक ही पत्थर को काट के बीच से काट के निकाला गया है पत्थर को, और उसका आकार दिया गया है ऐसा। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर, और सन का जो लाइट है वो पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है वीडियो में। और अभी जाना है इस साइड, ये देख रहे हो ये मंदिर, वहीं पे जाना है। और ये एक छोटा सा मार्केट है, और यहीं पे है बस स्टैंड, यहाँ से आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल से यहाँ डायरेक्टली आ सकते हैं बस से, फिर आप यहाँ पर घूम सकते हैं, एक दो दिन भी स्टे कर सकते हैं, और आज हम लोग शायद यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये जो बस देख पा रहे हैं आप लोग, ये बस ये जाएंगे हॉस्पिट, और सिर्फ 15 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है यहाँ पे, मतलब एक टिकट। यहाँ पे आप पर्सनल व्हीकल लेके आ सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि यार पर्सनल व्हीकल ना लेके आप बसेस से आइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ विरूपाक्षा टेम्पल की तरफ, और वहाँ पे जो नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी, तो वहाँ पे हम लोग शायद नहा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं दो दिन से नहीं नहाया हूँ। तो चलते हैं। साइड छोटा छोटा बहुत सारे मंदिर बना हुआ था पहले, तो अभी टूट चुका है, तो उधर देखने जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हम लोग के पास, नहाना है फिर जाके फिर आराम भी करना है। ये लोग बोल रहे हैं कि पहले इस साइड चलेंगे, मतलब छोटे छोटे मंदिरों की तरफ, फिर बड़े मंदिर की तरफ घुसेंगे, फिर हम लोग पूरा घूम के नदी की तरफ जाएंगे, व्यू पॉइंट एक जगह सनसेट बहुत अच्छा होता है वहाँ पे जाएंगे। तो चलो, ये हम लोग बोलते हैं छोटे मंदिर, लेकिन भाई बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, बट जस्ट मेरे सामने ये देखो,
ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये मेन टेम्पल है। और भाई आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं, ये थोड़ा ढलान वाला चढ़ाई करना है थोड़ा, और ऊपर वाला जितना भी मंदिर है वो देख के इस तरफ से उतर के फिर चले जाएंगे नीचे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से अंदर घुसेंगे पूरा मंदिर देख के, फिर रिवर पे जाएंगे। रिवर पे जाने के बाद हम लोग नहाएंगे, नहाने के बाद फिर कहीं पे टेंट लगाएंगे मंदिर के पास ही, और हम लोग वहाँ पे आज स्टे करेंगे। आप लोग भी इधर आएंगे कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लेके आइएगा, क्योंकि एक दिन में देखना इम्पॉसिबल है, वरना आपको थोड़ा मोड़ा देखना है फिर चले जाना है। फिर आएंगे और पूरा नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर, तो इसी वजह से ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटका। ओह ओह, ऊपर आ चुका हूँ अभी, और इस साइड चलते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है जो अंदर जा नहीं सकता, और यहाँ पे पानी है तो कैसे जाते हैं लोग, वो उस साइड से जाते हैं। और यहाँ पे भी एक है, इधर भी है। हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं यार, क्योंकि इतना बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, गिन भी नहीं सकता मैं, इतना सारा मंदिर है यहाँ पे। जो 2-3 बड़े बड़े मंदिर है मैं वहीं पे घूम रहा हूँ, और छोटे छोटे मंदिर उतना ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो ये स्ट्रक्चर किसका पता नहीं। और यहाँ पे भी है, ये छोटा वाला स्ट्रक्चर है, और यहीं पे सेम स्ट्रक्चर, ये थोड़ा बड़ा है। ये देखो भाई, और ये देखो, और ये जो पॉइंट है ये है सनसेट पॉइंट। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सनसेट देखने में। और भाई यहाँ पे हम शाम को आएंगे, अभी चलते हैं यहाँ से उधर देखेंगे। नहाना है पहले जाके, पहले मंदिर देखेंगे फिर नहाएंगे जाके, तो चलते हैं अभी यहाँ से। और भाई यहाँ पे इतना सारा मंदिर है कि मैं बता नहीं सकता, कि मैं खुद गिन भी नहीं पा रहा हूँ कि कितने सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं ओनली, और एक मंदिर है यहाँ पे छोटा सा, तो उसको भी, इसके भी अंदर घुस रहे हैं ये लोग, तो मैं भी देखता हूँ। फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। ओके, बहुत नेक्स्ट ठाड़ो। अभी तो यहाँ पे मंदिर सब जो जितने भी है लॉक लगा हुआ है ये सब, और अंदर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मंदिर सब खाली पड़ा हुआ है। और भाई ये जो मंदिर सब देख रहे हैं, जितने भी मंदिर है ऐसे बहुत छोटे छोटे मंदिर है, और इसके ये वाला मेन गेट पे जाएंगे अभी, और वहाँ से हम लोग मेन मंदिर को देखेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे नदी की तरफ, वहाँ पे नहाएंगे फिर आ जाएंगे। और भाई मैं जितने भी मंदिर में गया हूँ लगभग 90% मंदिरों में लॉक लगा हुआ है, या फिर वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं है, तो ऐसा क्यों है पता नहीं। जितने भी मंदिर है देख पा रहे हैं आप लोग पीछे से, ये और ये वाला मंदिर, ये सब मंदिर लॉक लगा हुआ है, तो इसी वजह से मुझे अभी वापस जाना पड़ रहा है और मेन मंदिर की तरफ। ये लोग भाई भी लेट कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि देख लेते हैं कि बार में क्या फ़र्क पड़ता है, कल तो रहेंगे ही ना, फिर दूर जाएंगे। तो मैंने बोला सही है यार, चलो एक ही बार में देख लेते हैं, यहाँ से निकलना जल्दी, चलो। ओके, और भाई हम्पी जिस जगह के लिए जाना जाता है उस जगह में घुसने जा रहा हूँ अभी मैं, तो जल्दी जल्दी लोग वेट कर रहे हैं। आ जाओ ब्रो, कम फास्ट। और ये दोनों हिंदी नहीं समझते हैं, तो
जो थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है उससे बातें करते हैं, या फिर उन लोग को समझाना पड़ता बहुत देर से यार, जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है और उन लोगों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे समझाना। तो वो लोग मलयाली में बात करते हैं दोनों आपस में, और मैं कभी कभी जो मुझे चीज़ आता है जो इंग्लिश में आता है मैं वो उन लोगों को बोलता हूँ, फिर नहीं तो गूगल देख के बता देंगे, ऐसे ही चलते रहते हैं। अच्छा नहीं है।